नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल जॉब स्ट्रीम में। दोस्तों बिहार पुलिस SI 2019 वाली जो वैकेंसी आई हुई थी उसकी रिजल्ट आ चुकी है फाइनल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बिहार पुलिस SI की जो वैकेंसी आई थी 2019 वाली उसकी जो फाइनल यहाँ पे रिजल्ट आ गई है 2021 में, जिसका जो है PT हुआ था। आप सभी को पता होगा ये चीज़, यहाँ पे फाइनल जो है यहाँ पे रिजल्ट आई है, मेरिट लिस्ट आ चुकी है उन कैंडिडेटों का जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे कि रिजल्ट आया है तो कितने कैंडिडेट इसमें पास हुए हैं, कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज कितना कितना गया है वो इस बार रिलीज किया गया है। तो मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता दूंगा कितना जो है यहाँ पे गया है, उसका कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होने वाला है, क्या वेटिंग लिस्ट भी आएगा जो कैंडिडेट का नहीं हुआ है तो क्या दोबारा से उनका वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा या नहीं, उसके ऊपर भी हम आपको बात करने वाले हैं। और कितने लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, मेल में कितने हुए हैं, फीमेल क्या है, सभी कैटेगरी के यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको इसी तरह की जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन जो आई है उस पर लेके चलना है। दोस्तों आप से देख सकते हैं ये जो है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है वो है यहाँ पे, और विज्ञापन संख्या आप सभी को पता होगा 1/2019 की है। यहाँ पे कहा गया है कि पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है पारक्ष अवर निरीक्षक परिचारी एवं सहायक अधीक्षक कारा जो है यहाँ पे सीधी भर्ती जो असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट जेल की हुई थी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट, उन सभी पदों की यहाँ पे अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। ये 2019 में आई थी वैकेंसी, और यहाँ पे जो है ये सब बताया जाएगा आपको कि ऊपर वाले में कब का आपका कौन सा एग्ज़ाम हुआ है, डेट के साथ बताया जाएगा। अब यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन ये कहा गया, देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जो है देख सकते हैं SI और साजेंट और ASG, इन तीनों पोस्ट पे जो है वैकेंसी आई थी। सबसे ज़्यादा SI पे आई थी, उसके बाद साजेंट की थी, उसके बाद ASG की थी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया था PT के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, PT में जो बुलाया गया था 15,231 और प्लस यहाँ पे जो है 357 एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट को इसमें जोड़ के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कॉल किया गया था देख सकते हैं 9924 को। उसके बाद यहाँ पे जो है मेल SI और ASG वाले जो है वह मैं बता रहा हूँ उसमें। ठीक है, और इसी में जो है वह देख सकते हैं अब्सेंट कितने थे तो 1456, PT जो है कितना का था इनका प्रेजेंट PT जो हुआ था वो 8468, जो फेल हुए हैं रनिंग में 2299, फेल हुए हैं सूटअप में 61। तो आपको फीमेल में भी ठीक इसी तरह से जो है पूरा बता दिया गया है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन में मेल के लिए ही जो रखा गया था उसमें भी आपको सारा कुछ बता दिया गया इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो कैंडिडेट किस चीज़ में कितने जो है वो फेल हुए हैं। तो फेल हाई जंप में कितने हुए, लॉन्ग जंप में कितने हुए, उसके हाई चेस्ट में जो है हाइट और चेस्ट में कितने फेल हुए, तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट को बुलाया गया था यहाँ पे देख सकते हैं जो 4394 है, और ये मेल की है, और फीमेल में यहाँ पे 2330 है। अब यहाँ पे जो कितने कितने यहाँ पे फेल हुए हैं वो यहाँ पे आपको आगे चल के पता चलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देख सकते हैं कितने किस कैटेगरी में जो है वह किस लिए जो है फेल हुए हैं वो यहाँ पे दिया गया है इस वाले बॉक्स में, आप टोटल यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, नीचे आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा SI में कितने कैंडिडेट जो है यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और कितने को यहाँ पर जो है बुलाया गया था। उसके बाद यहाँ पे जो है साजेंट का कितना है, जो ASG का कितना है, उसी तरह मेल और फीमेल में आप देख सकते हैं, सर्विस मैन का यहाँ पे दिख सकता है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर पुलिस के लिए जो पोस्ट थी जनरल के लिए, उसके बाद जो है EWS और सभी का यहाँ पे है 35% आरक्षण था फीमेल कैंडिडेट का, वहीं पर आपको नीचे भी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा बहुत सारी डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो आपकी जो रिजल्ट कैसे आप लोग पहले चेक कर पाइएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट के लिए जो है यहाँ पे दिया गया है जो कि SI के लिए 2062 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे जो और भी सारे देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे देख सकते हैं 125 जो है आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो ASJ के लिए यहाँ पे पोस्ट के लिए चुना गया था। उसके बाद साजेंट के लिए 215 को चुना गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने बता दिया। अब आपको जो है यहाँ पे प्रॉपर जो है वह कटअप के बारे में बता दूँ, ये है कटअप इसकी। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी कटअप जो तैयार की गई है बहुत ही जो है यहाँ पे वो अच्छी तरीके से देख सकते हैं आप सभी कि जनरल के लिए टोटल देख सकते हैं मेल कैंडिडेट का मैं बता दूँ 150 यहाँ पर जो है आपका कटअप गया है। ठीक है, परसेंटेज में देखा जाए तो 75% यहाँ पर आपका है, फीमेल का
एकदम मेल को टक्कर देते हुए यहाँ पे जो है वह 137 गया है परसेंटेज, 68.8 गया, ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। EWS का यहाँ पे जो है वह 145 गया, मात्र 5 नंबर कम। वैसे तो 10% जो है यहाँ पे छूट मिलती है EWS को, लेकिन यहाँ पे नंबर अगर देखा जाए तो कट ऑफ EWS का भी काफ़ी हाई था, इसलिए जो है वह 145 यहाँ पे कट ऑफ रखी गई है और परसेंटेज 72.5 यहाँ पे परसेंटेज गई है। BC की अगर बात करें तो 145 है, जो कि यहाँ पे 45.6 है BC वाले, और परसेंटेज आप लोग देख सकते हैं फीमेल में भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो EWS कैंडिडेट थे फीमेल उनका 130.8 गया है। BC का यहाँ पे जो है फीमेल में देख सकते हैं दिया गया है 127.6 नंबर। उसका EBC में यहाँ पे देखा जाए तो 143.2 है जो मेल कैंडिडेट का, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकिए। और जो यहाँ पे फीमेल में है, फीमेल कैंडिडेट का जो गया है यहाँ पे देख सकते हैं EBC क्या, वह 118.6% है। साथ में ST की बात की जाए तो ST के लिए यहाँ पे जो है 134 नंबर यहाँ पे जो है इनका कट ऑफ गया परसेंटेज में, 67 देख सकते हैं परसेंटेज है। और फीमेल की बात की जाए 107.6 है और परसेंटेज इनमें जो है वह 53.8 रखा गया है। ST का यहाँ पे देखें दोस्तों तो 140 ST का यहाँ पे कट ऑफ गया है, SC से ज़्यादा ST का यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो ST का कट ऑफ है वह 140 है और SC का 134 ही है, तो ये यहाँ पे काफ़ी जो है ध्यान देने वाली बात है इस बार की कट ऑफ में। वहीं पर अगर फीमेल की बात की जाए तो SC की यहाँ पे जो है वह 107.6 कट ऑफ गया है और ST का यहाँ पे 116, ठीक है, और 0.8 में गया है। ये इस बार जो है फीमेल का भी हाई है ST का कट ऑफ, क्योंकि पोस्ट इसमें जो है कम रहती है, SC में ज़्यादा रहती है, तो ये यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद BC वुमेन के लिए जो ही रखी गई थी पोस्ट, उसमें 100 जो है यहाँ पे वह 27.4 यहाँ पे टोटल जो है वह गया है कट ऑफ। ओवरऑल देखें तो यहाँ पे जो है वार्ड ऑफ जो है फ्रीडम फाइटर के लिए जो है वह रखा जो गया है उसमें आपकी जो है वह कट ऑफ गई है 129.6 यहाँ पे मार्क्स आपकी गई है परसेंटेज में, 64.8 देख सकते हैं। तो ये जो है 150 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी ओवरऑल यहाँ पे जो है कट ऑफ देखने को मिली है आप सभी को। तो आपको एक जो है वो आंकड़ा लग गया होगा कि इस बार की जो है वह कट ऑफ कितनी हाई थी। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो कैंडिडेट ने वह जनरल के हैं उनके लिए कितनी बड़ी यहाँ पे जो है टफ कंडीशन थी, कि यहाँ पे जो 150 में 150 आपकी यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्स जो है इनका आ चुका है। वहीं पे EWS भी इस बार की कमाल कर गए हैं, जो यहाँ पे जो है वह मेल कैंडिडेट है उनकी बात करें, फीमेल में तो थोड़ी सी जो है इसकी जो है यहाँ पे परसेंटेज काफ़ी कम है, करीब जो है 20 का यहाँ पे आंकड़ा दिखने को मिल रहा है, और लेकिन EWS में मेल कैंडिडेट जो है काफ़ी कमाल इस बार कर रहे हैं। तो बस यही ओवरऑल मैं बताने वाला था। अब बात करते हैं दोस्तों कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसकी जो है यहाँ वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है, क्योंकि हर जो है वह समय के तरह इस बार भी जो है कोई ऐसी जो है जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका चयन पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसके संबंध में अलग से जो है सूचना प्राप्त जो आपका वह सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। वैसे आप लोग ध्यान रखिएगा, मिस्टेक तो नहीं होती है रिजल्ट जो है जारी करने में, अगर किसी तरह का जो है यहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा तो वो आपका करेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पे जो है वह वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाला जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपकी एक और जो है SI वाली जो अभी एग्ज़ाम है वह बची हुई है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि किस जो है महीने किस डेट में आपकी एग्ज़ाम होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट अगले एग्ज़ाम को अटेंड करने वाले उनके लिए बहुत बड़ी सबक है, 150 नंबर यहाँ पे कट ऑफ जाना काफ़ी ज़्यादा अपने आप में जो है यहाँ पे हाई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।